कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय। अब एक नजर आज के हेडलाइन पर। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन को लेकर औरंगाबाद के संविदा पर रह रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने आज समाहरणालय के सामने न सिर्फ धरना दिया बल्कि जमकर अपना विरोध जताया। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के बैनर तले एकजुट हो सभी स्वास्थ्य कर्मी सदर अस्पताल से रैली निकालते हुए समाहरणालय तक पहुंचे, जहाँ वे सभी धरने पर बैठ गए। आक्रोशित कर्मियों ने बताया कि सरकार अगर उनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द नहीं मानेगी तो उनका यह आंदोलन और तेज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 वर्षों से लगातार सेवा देने के बाद भी उनकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये हम लोग जो धरना दिए हैं समान कार्य समान वेतन को लेकर करके है और सभी एनएच कर्मचारी को परमानेंट करने के लिए। हम लोग 10 वर्ष से लगातार कार्य कर रहे हैं और सरकार हम लोग से विभिन्न प्रकार का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में ले रही है। आज पूरा जो है कि स्वास्थ्य विभाग संविदा कर्मी के बदौलत ही आज उन्नति और प्रगति के मार्ग पर है, लेकिन हमारी प्रगति नहीं हो रही है। हम दिनों दिन अवनति के कगार पर जा रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल होते जा रही है। इसी कारण कि हम लोग सभी एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं। संदेश के माध्यम से मैं देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी को संबोधन देना चाहता हूँ, मैं और नीतीश कुमार को, शासन पुरुष नीतीश कुमार जी को, कि हम लोग टीबी के कर्मचारी हैं और हमारे प्रधान सेवक का मिशन है कि 2025 में टीबी को समाप्त कर देंगे। लेकिन इससे टीबी के बाद MDR XDR जो बढ़ते जा रहा है और हम लोग उसके अनुसार जो मेरा है रेशियो, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, टीबी को कंट्रोल कर रहे हैं। 2004 से लगातार अभी तक काम कर रहे हैं टीबी के लिए और कितने साथी हमारे टीबी से MDR से ग्रसित भी हो गए हैं। हम HIV का जांच करते हैं लेकिन हम लोग के नाम जांच के नाम पे, हम लोग सिक्योरिटी के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। न उस समय न मानदेय है उस तरह का और न हमारी सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार के पास योजना है। केवल सरकार योजना बना रहे हैं कि हम समाप्त कर देंगे टीबी, लेकिन हमारे लिए भी कुछ योजना हो कि टीबी के समाप्त करने में, जो अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, अपने परिवार को समाप्त कर रहे हैं, 6-6 माह से भूखे मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। औरंगाबाद में 2 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले का मामला आखिरकार सच साबित हुआ। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने इस मामले की गहनता से जांच की और मामले को सच पाते हुए तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी शांति भूषण आर्य, तत्कालीन BEO बिमला मारिया लकड़ा, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक खिरियामा के शाखा प्रबंधक तथा स्कूल के प्रधानाध्यापक को सीधे तौर पर दोषी पाते हुए इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश मदनपुर BDO को दिया है। मामला मदनपुर प्रखंड के सलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेका बिघा स्थित प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है। DM ने पूरे मामले की गहनता से जाँच कराई, जिसमें मदनपुर BDO ने भी तत्परता दिखाते हुए सलैया थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज भी करा दी है। हालांकि तत्कालीन DWO शांति भूषण आर्य छात्रवृत्ति घोटाले के एक अन्य मामले में पूर्व से ही जेल में बंद हैं। गबन का मामला है, टेका बिघा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा गबन किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मदनपुर श्री अतुल कुमार के द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसके आधार पर सलैया थाना में कार्रवाई कर दिया गया है। औरंगाबाद के बारुण प्रखंड के सोभे खाप के ग्रामीणों का गुस्सा आज फूट पड़ा और उन्होंने न सिर्फ राजकीय मध्य विद्यालय सोभे खाप में ताला जड़ दिया बल्कि विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीण स्कूल की कुव्यवस्था से तो नाराज थे ही, स्कूल के हेडमास्टर ने विद्यालय की दीवार पर अपशब्द लिखने का आरोप लगाकर गांव के एक बच्चे को 2 घंटे तक एक कमरे में बंद कर रखा था। यही वजह रही कि ग्रामीण भड़क गए
और एकजुट हो उन्होंने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इधर हंगामा देखते ही स्कूल के सारे शिक्षक फरार हो गए। बंद करके हमर बड़ लड़का यार तो मतलब कि क्या सर प्रणाम सर तो खुश रहिए कहलन कि खुश रहिए तो क्या सर तो क्या सर जेल है तो हाँ जेल है कि जेल बनावल है रौरा स्कूल है पढ़े वाला ना कि जेल बनावल। औरंगाबाद में आज खुदरा बालू बिक्री के लिए दिए गए आवेदनों की लॉटरी की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई। खुदरा बालू बिक्री के लिए कुल 2196 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला प्रशासन की देखरेख में भारी सुरक्षा के बीच स्थानीय नगर भवन में लॉटरी के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद जिले के अलग अलग प्रखंडों में बालू की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। डीएम कंवल तनुज ने बताया कि लॉटरी की यह प्रक्रिया बिल्कुल ही निष्पक्ष है और सभी इससे संतुष्ट भी हैं। देखिए आज खुदरा अनुज्ञप्तिधारी है उनकी लॉटरी थी, 196 आवेदन आए थे जिसमें से हम लोगों ने लॉटरी के माध्यम से हर ब्लॉक के लिए अलग अलग संख्या में आवेदनों का चयन किया है और जैसा कि आपने देखा प्रक्रिया समाप्त। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र की एक युवती ने गया के एक युवक पर शादी का झांसा देकर एक साल तक यौन शोषण किए जाने का एक सनसनीखेज मामला महिला थाने में दर्ज कराया है। महिला थाने में दिए गए अपने आवेदन में युवती ने गया के जेठियन निवासी एक युवक को आरोपी बनाया है। पीड़िता ने बताया कि शादी कर लेने का भरोसा देकर आरोपी युवक एक साल तक उससे शारीरिक संबंध बनाए रखा और जब शादी कर लेने का उसने दबाव बनाया तब लड़के ने 4 लाख रुपये बतौर दहेज की मांग करते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने बताया कि युवक के परिजन उसकी शादी किसी और के साथ करने जा रहे हैं। इस बात की सूचना जैसे ही उसे मिली तब उसने लड़के से संपर्क करने की कोशिश की मगर न तो वह फोन उठा रहा है और न ही उससे मुलाकात ही हो पा रही है। थक हार कर उसने पुलिस का सहारा लिया है ताकि उसे न्याय मिल सके। पीड़िता ने एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि एसपी ने मामले की जांच कर युवती को न्याय का भरोसा दिलाया है और कहा है कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर वो लड़का जेठियन का रहने वाला है और जेठियन का रहना सर उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और सर प्रेम का और शादी का झांसा देकर उसने मेरे साथ हर चीज किया, एक पति पत्नी का रिश्ता बनाया उसने ये कहकर कि वो मुझसे शादी करेगा कहकर, लेकिन उसने मुझसे शादी ना करके किसी और से शादी कोई और लड़की से शादी कर रहा है और मेरे फैमिली उसको 4 लाख 3 लाख नहीं दे पाई इसी वजह से वो कोई और लड़की से शादी कर रहा है। इसलिए मैंने उसको फ़ोन किया तो वो मेरे से साफ इनकार कर दिया शादी करने से। इसलिए आज मैं महिला थाना पहुँची हूँ और मुझे न्याय चाहिए। एक मदनपुर थाना क्षेत्र से एक ये मामला प्रकाश में आया है जिसमें पीड़िता ने शादी के नाम पर यौन शोषण का मामला हमारे जनता दरबार में आया था जिस पर हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत FIR दर्ज करते हुए उस पर जांच का आदेश दे दिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।